ढंग से इंसानियत है भाई। अगर राजनीति करनी है तो पत्थर से मत करो। जो आपने ऐसा काम गुजरात में एक भी नहीं हुआ है जिंदगी के अंदर। मोदी ने हर व्यवस्था को ठुकरा कर हमारे साथ अन्याय किया। मोदी ने पूरा गुजरात बेच दिया, बोलता है मैंने गुजरात बनाया। तूने गुजरात कहाँ से बनाया? गुजरात देंगे, इतना बटन जोर से दबाएंगे, पूरा गांधीनगर नहीं पूरा इंडिया हिलने वाला है, याद रखना। एक प्रोग्राम पहले से तय होता है, बुक होता है, उस फार्म को कल रात पुलिस वालों ने सील कर दिया। आम आदमी पार्टी की जो जनसभा होती है तो एकदम बहुत बड़ी मात्रा में जनसभा होती है, और उनकी सभा में कोई पब्लिक नहीं दिख रही है। तो वो अभी कल की का ये सीन है, कल गोपाल भाई की जो एक सभा थी तो वो बीजेपी वालों ने उनके गुंडे बेच के पत्थर मरवाए, ताकि एक छोटे बच्चे को आंख के ऊपर पत्थर भी लगा और गोपाल भाई उसको लेके अस्पताल गए। ये कौन सी इंसानियत है भाई? अगर राजनीति करनी है तो पत्थर से मत करो। जो आपने काम किया है, विकास विकास बोल रहे हो, तो आपके जो काम किया है उससे बात करो, ऐसे नहीं करते। किया है भैया, कुछ काम नहीं किया है। जब भी होता है जो काम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, थोड़ी ना होएगा ऐसे। जो काम की बात करते हैं ना, ऐसा काम गुजरात में एक भी नहीं हुआ है जिंदगी के अंदर। मोदी ने हर व्यवस्था को ठुकरा कर हमारे साथ अन्याय किया। हर कमेंट दिया, मोदी ने पूरा गुजरात बेच दिया, बोलता है मैंने गुजरात बनाया। तूने गुजरात कहाँ से बनाया? गुजरात तो पहले से बना हुआ था। स्कूल बेच दिया, कॉलेज बेच दिया। जब पैदा नहीं हुआ था ना, तभी से गुजरात बना हुआ है भैया। स्कूल बेच दिया, कॉलेज बेच दिया, रेलवे बेच दिया। गुजरात नहीं बनाया है, सरदार पटेल भाई स्टेडियम था, उसका नाम खाली रिनोवेशन करके सरदार भाई अपना खुद का नाम लिख दिया। 25 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन है, हम जो यहाँ ठहरे वहाँ पे। आपकी तनिक मीडिया से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 25 लाख यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली यहाँ पे जनरेशन है, ठीक है। तो मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि 25 लाख एरिया है जो पब्लिक का, उसमें एक सरकारी कॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है बताओ मीडिया वाले को, वहाँ पे मोदी को बताओ ये सब कि आप यहाँ पे कुछ नहीं किया। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया गुजरात का, उनके संकल्प पत्र में है कि वो स्कूटी देंगे, 10 लाख बताओ तो मैं बताता हूँ, 20 लाख रोजगार युवाओं को दे रहे हैं, 1 लाख महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े पोपले जैसे वादे करके निकल जाता है बार बार, इस बार नहीं जाने देंगे, ठोक के वोट देंगे, झाड़ू को देंगे, इतना बटन जोर से दबाएंगे, पूरा गांधीनगर नहीं पूरा इंडिया हिलने वाला है, याद रखना। एक क्रांति की लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये क्रांति की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये आगाज है भगत सिंह का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का। ये गुजरात किसी इसने एक इंसान ने नहीं बनाया है, ये गुजरात हर सबने बनाया है। वसुदेव कुटुंबकम में नाचते रहे, ये सब गुजरात बना है, बढ़ा रहे, क्योंकि उनकी वजह से पूरी पब्लिक भी परेशान है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई नेता है तो पूरा जाम कर दे, कोई जाने का रास्ता रखना पड़ता है। और दूसरी बात है, ये आम आदमी पार्टी लाने का रीज़न एक ही है कि ये लोग का जो कंटिन्यू शासन चल रहा है, तो 27 साल से उन लोगों की हिटलर शाही बढ़ गई है। जो हिटलर शाही बढ़ गई है, उनको ये लगता है कि हमको कोई निकालेगा नहीं, लेकिन अब बारी है उनकी, जाएगी घर पे वो, अब आएगा केजरीवाल। आज केजरीवाल जी भी आए हुए हैं। केजरीवाल जी तो देखो गुजरात में उनके ज्यादा दौरे चलते हैं अभी इलेक्शन की वजह से, लेकिन वो इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद भी उनका दौरा चलता रहेगा, क्योंकि एक ऐसा नेता है, वो शिक्षित नेता है। बाकी बीजेपी में आप देख लो, पूरे के पूरे अनपढ़ गवार है, कोई शिक्षित नेता नहीं है। ये आरोग्य मंत्री अपने है, खुद वही खुद बोलते हैं कि मेरे पास इंजेक्शन नहीं है कोरोना में, तो क्या वही बोलते हैं मैं इंजेक्शन ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मतलब है भाई तुम्हारा? ये आरोग्य मंत्री होने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वही चीज है। आपके सूरत में तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? मोदी जी यहाँ आ रहे सूरत में, और मोदी जी का रोड शो का जो रूट है, उस रूट पे बहुत सारे फार्म हाउस है जहाँ पे शादी विवाह होते हैं,
उस रोड पे जो फार्म में शादी विवाह का प्रोग्राम पहले से तय होता है, बुक होता है, उस फार्म को कल रात पुलिस वालों ने सील कर दिया और उन लोगों की शादी विवाह रुकवा दिया। अब वो लोग परेशान है कि जो तारीख लिया हुआ था, मेहमानों का सब व्यवस्था हो गया था, उसको सबको अब क्या करने का। मोदी जी की वजह से यहाँ सूरत के आम लोग बहुत परेशान है। सबकी शादी, सबके जीवन में शादी एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उसका बहुत बड़ा अपना मायना होता है, लेकिन इन लोगों ने अपने रोड शो और अपने दिखावे के लिए आम लोगों को परेशान करके रख दिया है। सूरत की जनता बहुत परेशान है और आप कहीं भी ऐसा लगे तो मोटा वराछा में कहीं उसके रोड शो में फार्म हाउस है, वहाँ पे जाके आप देख लेना तो आपको वहाँ की सच्चाई हकीकत पता चल जाएगी। मोदी जी आने के पहले ही सुबह से सब रोड जाम कर दिए हुए है और रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। सुबह में हमारे यहाँ एक जगह टसल हुई और लोग बहुत बाहर आए और विरोध दर्शाया, तो उन लोगों ने रास्ता थोड़ी देर के लिए खोला था, लेकिन मोदी जी के लिए पूरे तंत्र ने इतनी ताकत झोंक दी है कि लोग कितने भी परेशान हो जाए लेकिन मोदी जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन में, ये 2022 के इलेक्शन में लोग वोट के माध्यम से उसको तकलीफ जरूर पहुँचाएंगे। जो तकलीफ लोगों को दिया है उसके बदले में वो 1 और 5 तारीख को मोदी जी को तकलीफ पहुंचाएंगे और 8 तारीख को मोदी जी को एहसास कराएंगे कि उन लोगों की तकलीफ क्या थी। कुछ काम ही नहीं किया कभी, उसको ही ऐसा है कि बस हम राजा हो गए हैं। कभी किसी को कोरोना में 2 साल गुजरात ये परेशान थे, तब मोदी को आने का तकलीफ था, वो तो अभी आया, क्यों आया उसको। बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले, अच्छी हॉस्पिटलें मिले सबको, तो आम आदमी पार्टी को वोट करना सूरत में या पूरे गुजरात में अच्छी स्कूलों के लिए, अच्छी हॉस्पिटलों के लिए आम आदमी पार्टी को ही वोट दे आप प्लीज। मैंने सुना कि मोरबी में जब पुल टूटा, हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब मोरबी की हॉस्पिटल में कब दाखिल होने वाले हैं, कभी दाखिल होने वाले हैं, नहीं होने वाले, तो मोदी साहब आए तभी रिनोवेशन काम क्यों हुआ। तो जब जनता के लिए हॉस्पिटल है तो जनता के लिए रिनोवेशन होना चाहिए। हम 5 साल 27 साल से हम खड्डे में जा रहे हैं, पूरा रोड खड्डा खड्डा, मोदी साहब आए तो रोड अच्छे हो जाते हैं, तो क्यों मोदी साहब के लिए ही रोड अच्छे हो गए कि जब जनता के लिए रोड अच्छे हो गए। मोदी जी आ रहे हैं लेकिन और अच्छा में एक भी सीट नहीं होने के लिए मेरे को ठेक भरूच जाना पड़ता है। अल्पेश भाई का बहुत बहुत बढ़िया माहौल है। अल्पेश भाई आएगा ना तो कॉलेज बनेगी, सबको अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है उसका, इसलिए। आपका नाम? निकुन सोजित्रा। ये बताइए बाराचा विधानसभा में मूल समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम यहाँ की क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जहाँ देखो वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जो यहाँ पर वो आपने आपकी सरकार 27 साल से है और बहुमती की सीट से आ रही है बीजेपी की सरकार, तो पत्थरबाजी वो सब करने की, गुंडागर्दी करने की जरूरत ही क्या है? जो आपने काम किए हैं तो उसका डर क्यों है आपको? काम किए हैं तो आपकी सरकार आएगी, काम नहीं किए इसीलिए तो ये पत्थरबाजी गुंडागर्दी ये सब करना पड़ता है, अदरवाइज उसका प्रश्न ही नहीं आता है ना। आपने काम किया है तो ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं उठता है। आज मोदी जी आ रहे हैं। हाँ मोदी जी आ रहे हैं तो कल रात से पूरे रोड रंग रोगन सब चालू हो गया है, और हमारे इधर रहते हैं कितने सालों से तब कुछ नहीं होता, रोड में खड्डे पड़ जाए जो भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, और मोदी जी आ रहे तो रातों रात सब कुछ काम हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना न्याय होता है। अगर अगर गुजरात